अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि आज पीएमएसएस सेशन 22-23 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली थी, लेकिन आज अभी तक वो नहीं आई। अभी वो जो है कल मॉर्निंग तक आ जाएगी, नहीं तो अगर 10 बजे तक आ गई, कभी कभी लेट भी आ जाती है, अगर आ गई 10 बजे तक तो ठीक है, नहीं तो कल 11 बजे तक डेफिनेटली आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो उसके साथ साथ आपको पता ही है कि कल से जो है डॉक्यूमेंट रीवेरीफिकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट रीवेरीफिकेशन किन किन को करानी है और डॉक्यूमेंट रीवेरीफिकेशन होती क्या है, उसी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता ही है कि 27-29 डॉक्यूमेंट रीवेरीफिकेशन करवानी है। तो देखिए क्या कराना है आपको डॉक्यूमेंट रीवेरीफिकेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने रजिस्ट्रेशन की, अगर उस टाइम किसी कैंडिडेट के पास कैटेगरी नहीं थी तो उसने जो अपना फॉर्म है वो ओपन में भर दिया, लेकिन अभी जो है उसने फिर फॉर्म वगैरह वेरीफाई करवा ली, अभी उसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आ चुकी है। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं तो जिनको उस टाइम कैटेगरी नहीं थी लेकिन अभी उनके पास कैटेगरी है, तो उन वो भी जो है कल अपना जो GDC होगा वहां जाके कल से 29 अगस्त तक वहां से जाके उसको एडिट करवा सकते हैं और कैटेगरी अपनी जो है उसको अपलोड करवा सकते हैं। कैटेगरीज के साथ साथ अगर आपने कोई भी और भी चेंज पोर्टल में करवानी है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप कल से लेकर 29 तक करवा सकते हैं। उसके साथ साथ जो मेन होता है वो ये है कि जब आपकी कल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको 12th का रोल नंबर होगा, ईयर ऑफ पासिंग होगा, नाम होगा, पेरेंटेज होगा, कैंडिडेट आईडी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो होता है आपको 12th के मार्क्स होंगे। तो आपने वो चेक कर लेने हैं क्या मेरे सारी डिटेल्स इसमें ठीक हैं। पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कल जो लिस्ट आ जाएगी उसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम होगा जिसने फॉर्म वेरीफाई करवा लिया है और फॉर्म अपना फिलअप कर दिया, तो उन सारे कैंडिडेट्स का नाम है। उसमें आप परेशान नहीं हो जाना कि मेरा नाम है, अब मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, सिलेक्शन लिस्ट अलग आ जाएगी, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, ठीक। तो कल जब उसमें आप अपना डिटेल्स देखोगे, इन केस अगर किसी कैंडिडेट का उसमें कुछ गलत है, नाम गलत है, 12th के मार्क्स उसमें कम लिखे हैं या ज्यादा लिखे हैं, तो वो क्या काम कर सकता है, उसको नियरेस्ट GDC जो होगा उधर चले जाना है रीवेरिफिकेशन के लिए, वहां से जाके उसको एडिट करवाना है, अपने मार्क्स अगर गलत लिखे हैं उसको जो है ठीक मार्क्स जो है वो वहां पे लगा सकता है। उसके साथ साथ कैटेगरी कोई पेंडिंग थी वो वहां पे लगा सकता है, या आधार कार्ड उसको चेंज करना है वो लगा सकता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो तो आप ऐसे भी करवा कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का उस मेरिट लिस्ट में, कल वाली मेरिट लिस्ट में नाम सब कुछ सही होगा, सारा कुछ सही होगा, नाम होगा, मार्क्स सही होंगे, रोल नंबर सही होगा, तो उनको दोबारा वेरिफिकेशन सेंटर पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए रीवेरिफिकेशन नहीं होती है। रीवेरिफिकेशन सिर्फ उनके लिए होती है, एक तो जिनको एडिट कराना है कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है, उसके साथ साथ जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में गलत होगा कुछ भी, क्योंकि ये 3 दिनों में अगर आपने ठीक करवा लिया तो ठीक है, नहीं करवा लिया तो उसके बाद जब 29 को लिंक क्लोज कर दी जाएगी और 30 सितंबर को जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसमें जो आपकी रैंक होगी वो आपकी फाइनल होगी। तो कल वाली मेरिट लिस्ट में जो आपकी रैंक होगी वो आगे पीछे भी हो सकती है, 40-50 रैंक फिर आगे जा सकती है, 40-50 रैंक पीछे जा सकती है, वो कन्फर्म नहीं होती, वो प्रोविजनल होती है, ठीक। कल मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल आप जो है इस बात को समझ लीजिए, जो कल की डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन होगी वो उन कैंडिडेट्स के लिए होगी जिनको एडिट करवाना है या उनको मेरिट लिस्ट में मार्क्स गलत लिखे होंगे, रैंक या उसके साथ साथ रोल नंबर गलत लिखा होगा, वो उसको ठीक करवा सकते हैं, बाकी सारे कैंडिडेट्स को रीवेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप वेट कर दो, अगर अभी तक आ जाती है मेरिट लिस्ट तो मैं शेयर कर दूंगा, इनकेस अगर नहीं आ जाती तो कल 10-11 बजे तक आ जाएगी तो मैं आपको उस टाइम अपडेट दूंगा, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो कट ऑफ वगैरह भी हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन के बारे में, एंड आई होप सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली जो डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।